ग्रेटर नोएडा के थाना धनकौर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की ने अपनी बुआ की लड़की से ही शादी रचा ली। जब इस मामले का खुलासा हुआ तब घर से गायब इस युवती को ढूंढते हुए दिल्ली और नोएडा पुलिस एक जगह पहुंच गई। पता चला कि ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी मौज मस्ती से काट रहे हैं। परिजनों को पता चलने पर परिवार वालों ने लाख समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी, तो पुलिस ने जानकार रिश्तेदार के यहाँ उन्हें भेज दिया। बुआ और मामा की लड़की को एक दूसरे से कब प्यार हो गया और कब एक दूसरे के साथ ये दोनों जीने मरने की कस्में खा ली, ये परिजनों को पता ही नहीं चला। जब पता चला तब गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इन्हें दिल्ली की एक सोसाइटी से हिरासत में लेकर परिजनों को सौंपा। कोतवाली धनकौर के प्रभारी राधा रमन सिंह ने बताया कि धनकौर थाना क्षेत्र के गांव के परिजनों ने थाने पर आकर 20 अप्रैल को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जांच में सामने आया कि इस युवती की बुआ, जो कि दिल्ली के अंबेडकर नगर क्षेत्र में रहती हैं, उनकी लड़की भी इसी दिन गायब हुई और दिल्ली पुलिस इस युवती की भी तलाश कर रही थी। तभी दिल्ली और धनकौर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने तलाश शुरू की तो दिल्ली में ही एक सोसाइटी में इन दोनों को पाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि इन्होंने एक मंदिर में दिल्ली में शादी कर ली है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ रह रही हैं और दोनों खुश हैं। बताओ तुम दोनों क्या चाहती हो? साथ रहना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? भारती, आपकी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र 20 साल है। अच्छा, कोई समस्या, कोई जोर जबरदस्ती?